फौज के एक सेक्टर के इशराक से तीन राष्ट्रीय राइफल्स ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा में म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा का इनाकाद किया। इस प्रोग्राम में तलबा और तालबात और आम लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की, जबकि कई मकामी फनकारों और स्कूली बच्चों ने भी अपने फन और गुलकारी का जादू बिखेरा। फौज के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद कश्मीरी नौजवानों को अपने फन का मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के अलावा लोगों को तफरी के लम्हात मैसर करना है। लोगों ने भी इस तरह के प्रोग्रामों के ज्यादा इनाकाद पर जोर दिया। वो भी साउथ कश्मीर और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट अनंत नाग में अगर हम बात करेंगे, टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कमी आज तक किसी चीज़ की रही, वो रही उनको प्लेटफार्म की। वो प्लेटफार्म पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं जिस तरीके से आर्मी जो है प्लेटफार्म मुहैया करा रही है और जो टैलेंट यूथ्स का है वो सामने आ रहा है। ये एक खुशकिस्मती की बात है। आज हैं जहाँ पे एक मौसीकी का इतना प्यारा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, प्यारा आर्मी की तरफ से और अच्छा प्रोग्राम माइक की तरफ से, और मुझे मेरे स्कूल और बच्चों को जो मौका मिला है, मैं महिला उपाध्याय प्रिंसिपल आर्मी गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल पहलगाम से। पहलगाम आपको पता है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो हम जब बात करते हैं कश्मीर में खूबसूरती की, वो सिर्फ पहाड़ या बर्फ या डल लेक नहीं है, उससे बहुत आगे जाके बढ़ कर चीज़ें ये हैं कि लोग यहाँ खूबसूरत हैं, दिल से बहुत ही प्यारे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं दिल से। मैं ये चलता रहना चाहिए, इसी से प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, और हमारे एजुकेशन पहलगाम से हमारे इवेंट चलते रहे चाहिए, क्योंकि बहुत टैलेंट है आज यहाँ पर।